पोटेशियम हाई होने के कारण आपकी मौत भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्वागत है। मैं हूं ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोकोनट के बारे में, कि अक्सर लोग मेडिकल जाते हैं, मेडिकल जाने के बाद उन्हें डॉक्टर कहते हैं जो किडनी के पेशेंट होते हैं कि उन्हें जो कोकोनट है कोकोनट ना पीने के लिए, कोकोनट वाटर को ना कंज्यूम करने के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं। तो ये कोई भी आपको नहीं बताता है, कोई भी डॉक्टर आपको टाइम देके नहीं बताता है। ये बहुत गहरा बात है, इसे ध्यान से देखना। तो जब हमें डॉक्टर मना करती है, ये बड़ा जानने की बात है कि डॉक्टर हमें मना क्यों करती है, कि ऐसा नारियल पानी में क्या है जिसके लिए हमें डॉक्टर मना कर रहे हैं कि इस चीज को हमें यूज ना करनी चाहिए। हमारे किडनी की प्रॉब्लम के दौरान, जब हमें कोई किडनी की बीमार हुई है और उस समय डॉक्टर हमें मना कर रहे हैं कि इस चीज को यूज करने के लिए, तो इसी में एक चीज है जो कि इसका नाम है पोटासियम, और ये पोटासियम इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई है। और ये पोटासियम क्या करता है, देखो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली फास्ट में बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज नेचुरल से, कोई भी चीज आपके बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। जब वो ज्यादा बन जाता है वो तब वो हानिकारक हो जाता है। ज्यादा कैसे बन जाता है, मान लो कि आप सिर्फ खाते हो, पीते हो, सोते हो, कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कोई भी योगा वगैरह नहीं कर रहे हो, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा तो डैमेज होते जाएगा। तो हमारा शरीर का ये जो रूल है इसी नियम से चलना चाहिए कि खाना है, कुछ काम करना है, हम फिजिकली कुछ काम करना चाहिए तो हमारा बॉडी अच्छा रहेगा। तो अब मेन बात पे आते हैं कि कोकोनट पानी के अंदर, नारियल पानी के अंदर, ग्रीन नारियल की बात मैं करता हूँ, चाहे ग्रीन नारियल हो चाहे ये नारियल हो। शायद लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ग्रीन नारियल की, कि उसमें पानी बहुत ज्यादा अच्छा है, उनकी बात हम करेंगे कि उस पानी में पोटेशियम बहुत ज्यादा हाई मात्रा में मिलता है। जब आप खाते हो, जब आप सॉरी जब आप इसे पीते हो, तो ये पोटेशियम इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उस समय आपकी किडनी बीमार के दौरान ये आपको बॉडी को नहीं चाहिए। और जब आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, तो पोटेशियम लेवल हाई होने के बाद आपकी जो प्यास है, प्यास बहुत ज्यादा लगेगा, आपको वोमिटिंग होगा, मतलब उल्टी लगेगा और वीकनेस लगेगा, और कुछ काम करने से, थोड़ा बहुत काम करने से आपको टायर्डनेस फील होगा। ये है उसकी सिम्टम, और ये सिर्फ उन लोगों के पास पाया जाती है जो लोग किडनी बीमार में ऑलरेडी है। जब हमने इस पानी को पी लिया तब क्या होगा, देखो किडनी का काम क्या है, जब हमारा हम कोई चीज को पीते हैं या खाते हैं, जब कोई भी पोषक तत्व है वो पोषक तत्व तो हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड को भेज देता है। कौन भेजता है, किडनी भेजता है, और जो वेस्ट है उस वेस्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। किडनी का काम है ये, और जब आप पीते हो तो ये किडनी का काम ये किडनी नहीं करेगा, क्योंकि किडनी आपकी ऑलरेडी खराब है। और क्या हुआ, पोटेशियम जाके आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड में स्टोर हो गया, जमा हो गया, जमा होने के बाद और वो चला गया हमारा हार्ट के अंदर। और हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारे ब्लड को पंप आउट करता है, पंप आउट करता है मतलब इन लेता है, अंदर को लेता है, फिर सारे नसों को, सारे बॉडी को, सारे मसल्स को भेजता है ब्लड को। तो तब क्या होगा, हाई पोटेशियम होने के कारण हमारे जो हार्ट है वो फंक्शन करना बंद कर देगा, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, हमारे ब्लड के अंदर ये सही तरह बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मेन मुद्दा की जो बात आती है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो पंप आउट होता है, हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा। और जब हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा, और जिन लोग को किडनी डिजीज है उनकी मौत होने की चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे है। तो यदि आप सुस्त हो, मतलब हेल्दी हो, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग किडनी बीमार में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और अगर आप हेल्दी हो, वर्कआउट कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, कोई भी तरह स्पोर्ट्स कर रहे हो, मतलब खेल रहे हो, कूद रहे हो, आप जी भर के पियो, ये कुछ भी नहीं होगा आपकी। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग इस बीमार में पड़े हैं, कोई भी प्रकार की किडनी की बीमारी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको और किसी दिन और एक वीडियो में, तब तक बाय बाय।